तत्पुरुष समास की चर्चा के क्रम में आज प्रादि समास, गति समास एवं कु समास पर विचार किया जाएगा। इस समास का प्रधान सूत्र कुगति प्रादयः यह है। यह सूत्र ही समास विधायक सूत्र है। इसमें तीन शब्दों का ग्रहण है, कु गति प्रादयः। प्र आदौ येषां ते प्रादयः, कुश्च गतिश्च प्रादयश्च इति कु गति प्रादयः। प्रथम विभक्ति बहुवचन का पद है, इसीलिए समस्त पद में या कु का पूर्व निपात होगा, या गति संज्ञक का पूर्व निपात होगा, या फिर प्राधिकरण पदे शब्दों का पूर्व निपात होगा। और सुपा की अनुवृत्ति प्राप्त है, समर्थन इत्यादि यथावत प्राप्त हैं, इसलिए अर्थ बन जाता है एते समर्थेन नित्यम समस्यन्ते। वृत्ति में क्या अर्थ लिखा है? एते समर्थेन नित्यम समस्यन्ते, नित्यम एते एते के कुगति प्रादयः। अब यह नित्य समास है, क्योंकि इसमें नित्यम क्रीड़ा जीविकयोः इस सूत्र के से नित्यम की अनुवृत्ति आ रही है, वही उससे पहले लिखा है नित्यम क्रीड़ा इत्यतः नित्यम इत्यनुवर्तमाने। क्या लिखा है? नित्यम क्रीड़ा इत्यतः नित्यम इत्यनुवर्तमाने, कि नित्यम क्रीड़ा जीविकयोः इस सूत्र से, इस सूत्र में नित्यम की अनुवृत्ति आती है। तो इन सूत्रों के द्वारा किया जाने वाला जो समास है, इस सूत्र के द्वारा किया जाने वाला जो समास है वह नित्य समास कहलाता है। नित्य समास से तात्पर्य क्या है? अन्येन पदेन सह समास, अन्येन पदेन सह विग्रह, अस्वपद विग्रह समास होगा, स्वपद विग्रह समास नहीं होगा। तो अस्वपद विग्रह समास इसका होता है। अब इसमें तीन शब्दों का ग्रहण है, कु गति प्रादि, इसलिए इसको कु समास भी कह देते हैं, गति समास भी कह देते हैं और प्रादि समास भी कह देते हैं। पहला शब्द है कु। कु शब्द का अर्थ पृथ्वी भी होता है, लेकिन यहां पर पृथ्वीवाचक जो कु शब्द है उसका ग्रहण नहीं करना है। कु शब्द से यहां पर अव्यय कु को लेना है, जिसका कि कुत्सित अर्थ होता है। अव्यय कु है जिसका अर्थ होता है कुत्सित। तो गत्यादि साहचर्यात्, कु के बाद में गति का पाठ है, तो गति के पाठ होने से, गति के साहचर्य से कु से यहां पर अव्यय कु को लेना है। और अव्यय जो पृथ्वी का वाचक कु शब्द है, वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी में जो कु शब्द है वह पृथ्वी का वाचक है, तो उस पृथ्वी वाचक कु शब्द का ग्रहण यहां पर नहीं है। अव्यय जो कु है जिसका अर्थ कुत्सित है, उस अव्यय का ग्रहण यहां पर है, अव्यय कु शब्द का ग्रहण है। तो ऐसा जो अव्यय कु शब्द उसका समर्थ सुबंध के साथ समास होगा, पहला। दूसरा, गति संज्ञक जो शब्द होंगे उनका समर्थ सुबंध के साथ समास होगा, दूसरा। तीसरा, प्राधिगण पठित जो शब्द हैं उनका समर्थ सुबंध के साथ समास होता है, यह सूत्र का अर्थ निष्पन्न होता है और वह समास नित्य समास कहलाता है, इसलिए अस्वपद विग्रह समास होता जाएगा। वस्तुतः आगे जब गति समास की चर्चा आएगी तो वहां पर स्वपद विग्रह, वहां पर लौकिक विग्रह इत्यादि तो बन भी नहीं पाता है, सीधे अलौकिक विग्रह में समास कर देना होता है, ये बात आगे जाके स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन जहां पर विग्रह बनाना भी होगा तो वहां पर अस्वपद विग्रह बनाया जाएगा, लौकिक विग्रह में भिन्न उसी का समानार्थक कोई भिन्न पद रखा जाएगा, उस पद के साथ जिसके साथ समास कर रहे हैं उस पद के साथ विग्रह नहीं होगा, यह तात्पर्य है। अब इसमें सबसे पहला शब्द है कु। उस कु शब्द के समास का उदाहरण देते हैं, कुत्सित पुरुष कुपुरुष, यह कु शब्द के साथ समास का उदाहरण हुआ। कु यह अव्यय है, कुत्सित अर्थ में है, इसलिए कुपुरुष यह समस्त पद है और यह कु समास का उदाहरण है। कुपुरुष समस्त पद हुआ, उसका अलौकिक विग्रह, लौकिक विग्रह क्या बनेगा? तो अस्वपद विग्रह बनेगा, कुत्सित पुरुष। तो कु का अर्थ जो कुत्सित है उसी अर्थ को बताने वाला कुत्सित शब्द लौकिक विग्रह में रखा गया है, इसलिए अस्वपद विग्रह हुआ, नित्य समास हुआ। तो कुत्सित पुरुष यह लौकिक विग्रह हो गया, कुपुरुष सु यह अलौकिक विग्रह हो गया। इस लौकिक विग्रह में कुगति प्रादेय सूत्र के द्वारा समाप्त कर दिया गया।
समासत्वात् प्रादिप संज्ञा शुभलोक एक देश विकृत न्याय ने पुनः प्रादिप संज्ञा फिर सु आ जाएगा तो कुपुरुष रुत्व विसर्ग होकर के कुपुरुष इस प्रकार का रूप निष्पन्न होता है। तो इसके भी बहुत सारे उदाहरण मिल जाते हैं, कुत्सिता पुरुष कुपुरुष कुत्सिता माता कुमाता कुपुत्रो कुत्सिता पुत्र कुपुत्र कुपुत्रो जायेत क्वचित भी कुमाता न भवति, ऐसा आचार्य शंकराचार्य जी ने भी प्रयोग किया है। तो कुत्सितः पुत्रः कुपुत्रः कुत्सितः पुरुषः कुपुरुषः कुत्सिता माता कुमाता कुत्सिता दृष्टिः कुदृष्टिः, इस प्रकार से अनेक प्रयोग इसके बनाए जा सकते हैं। तो यह हुआ कु समास का उदाहरण। इसके बाद दूसरा शब्द है गति। गति शब्द के समास का उदाहरण, इसका विवेचन थोड़ा विस्तृत है। क्यों विस्तृत है? इसमें एक बात समझनी चाहिए कि कुगति प्रादयः सूत्र गति समास करेगा और गति संज्ञा करने वाले अब अग्रिम अनेक सूत्र आएंगे, लगभग 20 सूत्र हैं जो उन शब्दों की उन सूत्रों में वो शब्द पढ़े गए हैं और उन्हीं सूत्रों में अर्थ विशेष भी पढ़े गए हैं। तो आने वाले लगभग 20 सूत्रों के द्वारा उन सूत्रों में जो जो शब्द पढ़े गए हैं और उनका जो जो अर्थ बताया गया है उस अर्थ में उन शब्दों की क्रिया के साथ योग होने पर गति संज्ञा हो जाती है। इसलिए इसमें गतिश्च इत्यनुवर्तमान है, गतिश्च की अनुवृत्ति भी आगे के सूत्रों में चलती है। गतिश्च सूत्र गति संज्ञा करता है और गतिश्च का भी की अनुवृत्ति आगे के सूत्रों में जो अग्रिम सूत्र आने वाले हैं उरियादि चीड़ाचश्च अनुकरणम चानति परम इत्यादि जो सूत्र आने वाले हैं उन सूत्रों में गतिश्च की अनुवृत्ति भी आती है। तो अब गति संज्ञा होगी किन से? ये जो सूत्र हैं आने वाले उरियादि चीड़ाचश्च आदरानादरयोः सदसती अनुकरणम चानति परम इत्यादि जो आने वाले सूत्र हैं यह सूत्र गति संज्ञा करेंगे। और गति संज्ञा का फल क्या है? कुगति प्रादयः यह सूत्र समास करेगा। समास का फल क्या है? समास का फल है समासे नहि पूर्वे त्वो ल्यप, इस सूत्र के द्वारा त्वा के स्थान पर ल्यप आदेश हो जाएगा। तो इतनी बात दिमाग में गति समास के लिए इतनी बात बुद्धि में बैठानी चाहिए कि यह जो आने वाले अग्रिम लगभग 20 सूत्र हैं यह इन सूत्रों में जो जो शब्द पढ़े गए हैं उन शब्दों के जो जो अर्थ पढ़े गए हैं उन अर्थों में उन शब्दों की गति संज्ञा यह सूत्र करेंगे। और जब इन सूत्रों के द्वारा उन शब्दों की उन अर्थों में गति संज्ञा कर दी जाएगी तो उस गति संज्ञक शब्द का समर्थ सुबंध के साथ कुगति प्रादेय सूत्र समाप्त कर देगा और समाप्त होते ही उनमें जो त्वा है उस त्वा के स्थान पर ल्यप आदेश हो जाएगा। समासे नहीं पूर्वे तो ल्यप इस सूत्र के द्वारा। अब ल्यप चूंकि पित है, ल्यप क्या है? पित है, उसमें पकार की संज्ञा है इसलिए पित हुआ और वो कृत भी है, ल्यप कृत है, कृतसिंग है, कर्तरीकृत कृतसिंग के अधिकार में है। तो ल्यप प्रत्यय पितकृत प्रत्यय है, ल्यप प्रत्यय पितकृत प्रत्यय है। इसीलिए अगर इससे पूर्व में कोई ह्रस्व वर्ण होगा ल्यप प्रत्यय में अवशिष्ट बचेगा य, लकार का लोप हो जाएगा, पकार का लोप हो जाएगा, बचेगा य। य से पहले अगर ह्रस्व वर्ण होगा तो उसको तुक आगम हो जाएगा, तुक है कित तो आद्यवय हो जाएगा, आद्यंतव अंतावय हो जाएगा, ह्रस्व का अंतावय हो जाएगा। तो ह्रस्व के बाद में और य से पहले तो आके बैठ जाएगा हलंत तो। तो अगर इतना ध्यान देना है कि जो ल्यप का य आएगा समस्त पद में उस य से पहले अगर ह्रस्व वर्ण है तो वो य त्यो के रूप में आएगा, केवल य के रूप में ना आकर के उसमें तुक का तो और जुड़ जाएगा, वो त्यो के रूप में आएगा। और अगर उस य से पहले कोई ह्रस्व वर्ण नहीं है तो वो य के रूप में ही आएगा। इतनी प्रक्रिया दिमाग में रख लेनी है, उसके बाद इसी आलोक में आगे के सूत्रों के अर्थ का और उदाहरणों का विचार करना है तो सारी प्रक्रिया अपने आप हृदयंगम होती चली जाएगी, कहीं कोई कष्ट नहीं होगा। तो गतिश्च इत्यनुवर्तमाने, गतिश्च की अब आगे के सूत्र में अनुवृत्ति होती है तो आगे के सूत्रों से गति संज्ञा की जाएगी और गति संज्ञा होते ही कुगति प्रादेय से समास हो जाएगा गति संज्ञक का समर्थ सुबंध के साथ और उसके बाद उसमें समास से अनेक पूर्वक तो ल्यप से ल्यप हो जाएगा, ल्यप का यौ बचेगा। अगर उससे पहले ह्रस्व है तो उसको तुक भी होगा, ह्रस्व नहीं है तो तुकागम नहीं होगा। यह सामान्य प्रक्रिया है, आगे के लगभग 20 सूत्रों में यह प्रक्रिया लगेगी। तो इन 20 सूत्रों के माध्यम से इन 20 सूत्रों की सहायता से कुगति प्रादेय सूत्र गति समास का निष्पादन करेगा। उसके बाद आएगा प्रादि समास का
का क्रम। प्रादि समास के उदाहरण भी सरल ही है, सुपुरुष सुंदर पुरुष शोभन पुरुष सुपुरुष शोभन पुरुष सुपुरुष इत्यादि इसके उदाहरण भी आगे आएंगे। उसके उदाहरण यह गति समास के, प्रादि समास का उदाहरण गति समास के बाद दिया जाएगा। तो कु समास का उदाहरण हो गया कुपुरुष कुदृष्टि इत्यादि। गति समास के क्या उदाहरण है तो उनको अब क्रमशः एक एक करके सूत्रों के माध्यम से बता रहे हैं। है, मूल प्रत्यय बोलिए तो कुगति प्रादय एते समर्थेन नित्यम समच्यन्ते। चलिए कुत्सितः पुरुषः कुपुरुषः ये कुसमास का उदाहरण हो गया। गतिश्च इत्यनुवर्तमाने, अब गतिश्च की अनुवृत्ति आगे के सूत्रों में आ रही है। तो गतिश्च की अनुवृत्ति जिस सूत्र में सबसे पहले आती है वह पहला सूत्र है उर्यादिच्विडाचश्च। यह सूत्र गति संज्ञा करेगा, समास नहीं करेगा। समास करने वाला सूत्र तो एक ही है कुगतित प्रादयः। उर्यादिच्विडाचश्च सूत्र या इसके बाद के जितने भी सूत्र आने वाले हैं लगभग 20 सूत्र यह गति संज्ञा करते हैं। इन 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 सूत्र से गति संज्ञा होगी, कुगति प्रादयः से समास हो जाएगा, समास होते तो आगे समवल्लभ हो जाएगा। यह सारी प्रक्रिया दिमाग में बुद्धि में बैठा लेनी है। अब सूत्र आ गया उर्यादिच्विडाचश्च। इसमें एक तो उरी शब्द है और च्वी और डाच ये दो प्रत्यय हैं। उरी से उरियादि गण को लेना है। उरियादि गण में अनेक शब्द हैं, उरी उररी इत्यादि शब्द हैं। उरी उररी इनका मतलब होता है स्वीकार करना, अंगीकार करना। तो उरी आदि गण पठित शब्दों का शब्दों की क्रिया के योग में गति संज्ञा होती है। गतिश्च सूत्र गति क्रिया के योग में ही गति संज्ञा करता है। गतिश्च सूत्र क्रिया के योग में ही गति संज्ञा करता है। वो यद्यपि प्रादियों की गति संज्ञा करता है, गतिष्ठ सूत्र प्रादि प्राधिकरण पटे शब्दों की क्रिया के योग में गति संज्ञा करता है, लेकिन उरी आदि चुडाचश्च सूत्र उरी आदि गण पटे शब्दों की, च्वी प्रत्यांत शब्दों की, डाच प्रत्यांत शब्दों की क्रिया के योग में गति संज्ञा करता है। तो इसमें उरी तो उरी आदि गण पटे शब्द हो गया, च्वी से च्वी प्रत्यांत शब्द को लेना है। च्वी प्रत्यय करने वाला सूत्र है कृभस्त योगे संपद्य कर्तरी च्वी, उसमें अभूय पदभावे इति वक्तव्यम इसका प्रभाव है इस वार्तिक का। तो जो च्वी प्रत्यय होता है वो अभूत तद्भाव अर्थ में होता है, जो पहले नहीं था उसको वैसा बनाना इस अर्थ में च्वी प्रत्यय होता है। और डाच प्रत्यय होता है अव्यक्ता अनुकरणाद द्वज वराधा जनित डाच, इस सूत्र के द्वारा डाच प्रत्यय होता है। तो सबसे पहला सबसे पहला शब्द है उरी। उरी शब्द की क्रिया के योग में, उरी शब्द के बाद अगर कोई क्रियावाचक शब्द आ जाएगा तो उसके योग में उरी शब्द की गति संज्ञा हो जाएगी उर्यादिच्विडाचश्च इस सूत्र के द्वारा। ऐसे च्वी प्रत्यांत के बाद में अगर कोई क्रियावाचक शब्द आ जाएगा तो उस च्वी प्रत्यांत शब्द की भी गति संज्ञा हो जाएगी उर्यादिच्विडाचश्च सूत्र के द्वारा। ऐसे डाच प्रत्यांत शब्द के बाद में अगर कोई क्रियावाचक शब्द आ जाएगा तो डाच प्रत्यांत शब्द की भी गति संज्ञा हो जाएगी उर्यादिच्विडाचश्च सूत्र के द्वारा। और जैसे ही इस सूत्र से गति संज्ञा होगी वैसे ही कुगति प्रादेय सूत्र से समास हो जाएगा, लप त्वा हो जाएगा, त्वा के स्थान पर लप हो जाएगा, तुगादि होकर के भिन्न भिन्न प्रकार के रूप निष्पन्न हो जाएंगे। प्रथम उदाहरण है उरी कृत्य। उरी कृत्य तो लौकिक मेरा इसका क्या बनेगा, लौकिक अलौकिक इसका एक ही जैसा है, उरी कृत्वा, उरी कृत्वा ऐसा बना लीजिए लौकिक विग्रह। पर अलौकिक विग्रह में उरी क्री त्वा अलग अलग कर दीजिए, तो उरी क्री त्वा हो गया। उरी का क्री इस क्रियावाचक शब्द के साथ योग है तो उरी की गति संज्ञा हो गई उर्यादिच्विडाचश्च सूत्र के द्वारा। गति संज्ञा होते ही उरी का कृत्वा के साथ समास हो गया कुगति प्रादेय सूत्र के द्वारा, तो उरी कृत्वा ऐसा ही रहा। समस्त पद की प्रादिप्त संज्ञा करेंगे तो समस्त पद चूंकि अव्ययी है त्वातो सुन कसुन से इसकी अव्यय संज्ञा हो गई है, अव्यय संज्ञा और सु आएगा उसका तो लुकी हो जाएगा, बस एक फल यहां मिल जाएगा जो त्वा था उसको ल्यप आदेश अब हो जाएगा। समास है नहीं पूर्वे त्वो ल्यप, तो त्वा के स्थान पर हो गया ल्यप, ल्यप का बचा य उरी क्री य। अब क्री ह्रस्व है इसलिए इसको तुगागम भी हो जाएगा, ह्रस्व से पीति कृति तुक, तो य से पहले तो आके बैठ जाएगा तो क्या बनेगा उरी कृत्य। अब उरी कृत्वा की त्वा तो सुन कसुना से अव्यय संज्ञा थी, स्थानीय भाव से उरी कृत्य की भी त्वा तो सुन कसुना सूत्र के द्वारा अव्यय संज्ञा हो जाती है, तो उरी कृत्य भी अव्यय बन जाता है क्योंकि त्वा के स्थान पर ल्यप आया है तो ल्यबंत हुआ उरी कृत्य, उसकी भी स्थानीय भाव से अव्यय संज्ञा होकर के उरी कृत्य भी आपका अव्यय हो गया। और उर्यादिच्युडाचश्च सूत्र में जो चकार है, चकार ग्रहण बलात् इनकी निपात संज्ञा भी हो जाती है,
इसलिए जब समास नहीं होगा उही कृत्वा रहेगा, तो उस अवस्था में इसकी निपात संज्ञा हो जाने से सु का लुक इत्यादि होकर के उही कृत्वा ऐसा ही रूप रह जाता है, वहां पर भी कोई विभक्ति इत्यादि नहीं आती है। तो उही कृत्य यह इसका उदाहरण हो गया, ये उरियादि गण पठित शब्द का उदाहरण हो गया। उही कृत्य का मतलब क्या हुआ, स्वीकार करके। उरी कृत्य का तात्पर्य है स्वीकार करके, क्योंकि उरी यह अंगीकार अर्थ में विद्यमान अव्ययी है। तो उरियादिगण परिचित शब्द का उदाहरण हुआ। दूसरा है स्वीप्रत्यान शब्द का उदाहरण। स्वीप्रत्यान शब्द का उदाहरण क्या है, शुक्ली कृत्य। शुक्ली कृत्य अशुक्लम शुक्लम कृत्वा, अशुक्लम शुक्लम कृत्वा, इस विग्रह में शुक्ल अम शुक्ल अम कृत्वा, शुक्ल अम कृत्वा, इस अलौकिक विग्रह में इसमें स्वी प्रत्यय होगा। किससे, कृभत्व योगे संपद्य कर्ता स्वी अभुज तद्भावे इति वक्तव्यम। शुक्ली कृत्य का मतलब क्या है, जो पहले शुक्ल नहीं था उसको शुक्ल बनाया, बना करके, ऐसा अर्थ है। तो अशुक्लम शुक्लम कृत्व अभूत तद्भाव, जो शुक्ल अभी वर्तमान में शुक्ल है वो पहले शुक्ल नहीं था, उसको अब शुक्ल बना दिया गया, तो अभूत तद्भाव अर्थ आ गया, इसलिए स्वी प्रत्यय हो गया। तो क्या स्थिति बन गई, शुक्ल अम स्वी कृत्वा, यह स्थिति बनी। और अब इसकी प्राकृतिक संज्ञा हो जाएगी, प्राकृतिक संज्ञा होते ही शुभलुक हो जाएगा, अम चले जाएगा, तो शुक्ल च्वी च्वी का अनुबंध लोक च चले जाएगा, वह में से ई निकल जाएगा, वह बचेगा, वह का भी वेरप प्रत्यय। इस सूत्र से अप्रत्ययकाल प्रत्यय से वकार की अप्रक्त संज्ञा, वेरप प्रत्यय सूत्र के द्वारा वकार का लोप, तो शुक्ल कृत्वा ऐसा ही रह जाएगा। चौचा सूत्र के द्वारा शुक्ल के अ के स्थान पर ई आदेश हो जाता है, दीर्घ ई, तो शुक्ली कृत्वा ऐसा स्थिति बनती है। शुक्ली कृत्वा, शुक्ली शब्द च्वी प्रत्यांत हो गया, इसका क्री इस क्रियावाचक शब्द के साथ योग है, तो इसकी उरिया आदित्य आदर्श सूत्र के द्वारा गति संज्ञा हो गई। गति संज्ञा होते ही शुक्ली का कृत्वा के साथ कुगति प्रादय सूत्र के द्वारा समास हो गया। समास होते ही त्वा के स्थान पर लेप हो गया, यो बचा उसको तुकागम हो गया, तो शुक्ली कृत्य ऐसा अव्यय पद निष्पन्न हो गया, शुक्ली कृत्य। तो ये च्वी प्रत्यान शब्द का उदाहरण हो गया। दूसरा अग्रिम उदाहरण है डाच का, च्वी और डाच दो प्रत्यय इसमें गृहित हैं, तो डाच का उदाहरण क्या है, पटपटा कृत्य, पटपटा कृत्य ऐसा यह उदाहरण है। तो पटपटा यहाँ पर डाच प्रत्यान शब्द है, पटत शब्द से पहले डाच प्रत्यय होता है, पटत शब्द से डाच प्रत्यय हो जाता है, अव्यक्ता अनुकरणा द्वज वरार्धा दलित डाच, इस सूत्र से डाच हो गया, तो पटत डाच ऐसी स्थिति बन गई। पटत डाच ऐसी स्थिति में डाच बहुलम दे भवतः, इस सूत्र के द्वारा पटत को द्वित्व हो गया, पटत पटत डाच, डाच का बचेगा आ, डित्व सामर्थ्य अभिस्थापित लोप, डाच प्रत्यय डित है, डित्व सामर्थ्य से यद्यपि पटत पटत में जो दूसरा पटत है उसकी भव संज्ञा नहीं है, फिर भी डित्व सामर्थ्य अभिस्थापित लोप, डित्व सामर्थ्य से भव संज्ञा न होते हुए भी पटत की टी का लोप हो जाएगा, तो दूसरा जो पटत है उसमें जो टी है अत उसका लोप हो गया, पटत पट और डाच का बचा आ, पटत पट आ नित्य मामरे डिते डाची, इस सूत्र के द्वारा जो पहला वाला पटत है उसमें जो त है और जो दूसरा वाला पटत का प है उन त और प के स्थान पर प आदेश हो जाता है, पकार एक आदेश हो जाता है, तो इस प्रकार से पटम पटा पटपटा ऐसा रूप बन जाता है पटपटा। अब पटपटा यह हो गया डाच प्रत्यान शब्द, इसका कृत्वा में क्री क्रियावाचक शब्द है उसके साथ योग होने के कारण से इसकी उरिया आदित्य पटपटा की गति संज्ञा हो गई, और गति संज्ञा होते ही कुगति प्रादेह सूत्र के द्वारा पटपटा का है कृत्वा के साथ समास हो गया, समास होते ही त्वा के स्थान पर लेप हो गया, तुगागम हो गया, पटपटा कृत्य यह अव्यय पद निष्पन्न हो गया, पटपटा कृत्य। तो यह डाच प्रत्यान शब्द का उदाहरण हो गया पटपटा कृत्य। तो इस प्रकार से इस सूत्र के तीन उदाहरण हुए, उरी कृत्य उरियादिगण पठित शब्द का हुआ, शुक्ली कृत्य च्वी प्रत्यान शब्द का हुआ, और पटपटा कृत्य डाच प्रत्यान शब्द का उदाहरण हो गया। तो इन तीनों उदाहरणों में पहले उरियादि चुडाचस्य से गति संज्ञा हुई, कुगति प्रादेय सूत्र के द्वारा फिर समास हुआ, और फिर समासे नए पूर्व को लेप से क्वा को लेप होकर के तुगागम होकर के उरी कृत्य पट शुक्ली कृत्य पटपटा कृत्य इस प्रकार के रूपों की निष्पत्ति हो जाती है। इसी में एक वार्तिक पढ़ा गया है, कारिका शब्दस्योपसंख्यानम, क्या वार्तिक है, कारिका शब्दस्योपसंख्यानम। अब यहाँ पर कारिका शब्द पर विचार है कि कृ धातु से ढुल प्रत्यय होकर के कारिका शब्द बनता है, प्रत्यस्थात का इत्यादि सूत्र से इत्व होकर के कारिका शब्द बन जाता है, पुल्लिंग में कारक स्त्रीलिंग में कारिका। अब कारिका का मतलब दो हो सकता है, तो कर्त्री
करने वाली स्त्री उसको भी कारिका कहा जा सकता है, और जो श्लोक है श्लोक इत्यादि उसको भी कारिका कहा जा सकता है। कारिकावली ग्रंथ का नाम ही कारिकावली है, तो कारिका शब्द श्लोक का वाचक भी है, कारिका शब्द कर्त्री स्त्री रूपी जो कर्त्री उसका वाचक भी है, स्त्री कर्ता का वाचक भी है। तो कह रहे हैं कि यहाँ पर न तो कारिका शब्द से स्त्री रूपी कर्ता को लेना है, न कारिका शब्द से श्लोक को लेना है, अभी तो किसको लेना है, क्रिया कारिका क्रिया। कारिका शब्द का मतलब यहाँ पर क्रिया है, कैसे है, क्योंकि कृ धातु से नुल प्रत्यय धात्वर्थ निर्देश में हुआ है, धात्वर्थ निर्देश नुल वक्तव्य, इस वार्तिक के द्वारा धात्वर्थ के निर्देश में नुल प्रत्यय हुआ है और धातु हो गया क्रि, वो क्रियावाचक है, इसलिए कारिका शब्द का मतलब यहाँ पर है क्रिया, उसी को लिखा है आचार्य जी ने कारिका क्रिया है। तो कारिकाम कृत्वा कारिका शब्द से उपसंख्यानम, कारिका शब्द की भी गति संज्ञा होती है यह कहना चाहिए, कारिका शब्द की भी क्रिया के योग में गति संज्ञा हो जाती है यह कहना चाहिए, इस वार्तिक का तात्पर्य हुआ। तो कारिका कारिकाम कृत्वा कारिका अम कृत्वा, ऐसी स्थिति में कारिका की क्री इस के साथ योग होने से गति संज्ञा हो गई, गति संज्ञा होने से कुगति प्रादेय से समास हो गया, समास प्रादेय संज्ञा शुभलुक है, कारिका कारिका कृत्वा बना और उसके बाद त्वा त्वा को ल्यप, ल्यप को तुगागम क्या बन गया, इधर कारिका क्री के री को तुगागम क्या समस्त पद निष्पन्न हो गया, कारिका कृत्य यह रूप निष्पन्न हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, क्रियाम कृत्वा इत्यर्थः, कारिका कृत्य का तात्पर्य क्या है, क्रियाम कृत्वा क्रिया को करके, न कि श्लोक को करके या फिर जो कर्तृवाची स्त्री कर्तृत्व प्रधान स्त्रीवाचक शब्द है उसका ग्रहण भी यहाँ पर नहीं करना है। तो कारिका क्रिया का तात्पर्य, कारिका कृत्य का तात्पर्य हो गया क्रियाम कृत्वा इत्यर्थः। पढ़ दीजिए मूल्यवृत्ति क्रिया योगे गति संज्ञा स्युः, क्रिया योगे गति संज्ञकाः भवन्ति इत्यर्थः, है ना, तो इनकी क्रिया के योग में गति संज्ञा हो जाती है। उरी कृत्य ये उरियादि गणपति शब्द का उदाहरण हुआ, शुक्ली कृत्य ये शुक्ल प्रत्यान शब्द का उदाहरण हो गया, पटपटा कृत्य डाच प्रत्यान शब्द का उदाहरण हो गया, कारिका शब्द शब्द से उपसंख्यानम, कारिका शब्द की भी क्रिया के योग में गति संज्ञा होती है ऐसा कहना चाहिए, कारिका क्रिया, कारिका का मतलब यहाँ पर क्रिया है, कारिका कृत्य यह इसका उदाहरण हो गया। तो इस प्रकार से उरियादि स्विडाचष्ट इस सूत्र का उदाहरण, इस सूत्र के उदाहरण निष्पन्न होते हैं। अब जो प्रक्रिया इन तीन सूत्रों इन में हुई है, वस्तुतः उरी कृत्य में जो प्रक्रिया हुई है वही प्रक्रिया आगे सर्वत्र आगे के प्रयोग में होनी है, समास इन आगे के आने वाले सूत्रों से गति संज्ञा होगी, गति संज्ञा होते को गति प्रादेय से समास हो जाएगा, समास होते तो आगे स्थान पर ल्यप हो जाएगा, अगर उस य से पहले ह्रस्व वर्ण है तो उसको तुक भी कर देना है, ह्रस्व वर्ण नहीं है तो तुक नहीं होगा, य अपने रूप में ही रहेगा, इस प्रकार समस्त निष्पन्न हो जाता है और ये अव्यय हो जाता है, त्वा तो सुनकर सुनिश्चित की अव्यय संज्ञा हो जाती है, इसलिए सु आएगा उसका व्यादाप सुपर से लुक हो जाएगा, तो इसी अव्यय के रूप में ही ये श्रूयमाण होते हैं। तो अब इसी क्रम में गति संज्ञा करने वाला जिसमें की गतिश्च की अनुवृत्ति आएगी वो दूसरा अग्रिम सूत्र है अनुकरणम च अनिति परम, सूत्र का अर्थ स्पष्ट है अनुकरणम च अनिति परम, अनिति परम को अनुकरणम के साथ जोड़ दीजिए तो बन जाएगा अनिति परम अनुकरणम च, अनिति परम अनुकरणम च, अनिति परम जिसके बाद में इति शब्द पर में नहीं है, जिसके पर में इति शब्द नहीं है, जिसके पर में इति शब्द होगा वो इति पर हो गया, और न इति परम इति अनिति परम, अर्थात जिसके बाद में इति शब्द नहीं है ऐसा जो अनुकरण, ऐसा जो अनुकरण वाचक शब्द उसकी भी गति क्रिया के योग में गति संज्ञा हो जाती है। तो ऐसा अनुकरणवाचक शब्द जिसके बाद में इति शब्द नहीं है उस अनुकरणवाचक शब्द की क्रिया के योग में गति संज्ञा करता है यह सूत्र, गति संज्ञा का फल वही कुगति प्रादेय सूत्र के द्वारा समाप्त है। अब यह अनुकरण क्या हुआ, तो अनुकरण का तात्पर्य यह होता है कि उदाहरण से भी स्पष्ट होगा, उदाहरण बोल दीजिए उसमें घटा देते हैं, खाट कृत्य खाट कृत्य इसका उदाहरण है। अब खाट कृत्य यहाँ पर जो खाट शब्द है तो खाट कृत्वा और उसका समस्त पद बनेगा खाट कृत्य, तो खाट कृत्य समस्त पद हुआ, इसका जब उदाहरण इसका जब लौकी वगैरह बना देंगे तो खाट कृत्वा इस प्रकार से बनेगा।
अब खाट कृत्वा का तात्पर्य क्या है? तो इसका यहां पर जो खाट शब्द है वह अनुकरण है। खाट एक विशेष प्रकार की अव्यक्त ध्वनि है। मान लिया किसी व्यक्ति ने स्थीवन किया, स्थीवन का मतलब यह होता है जिसको हिंदी भाषा में थूकना कह देते हैं, किसी व्यक्ति ने स्थीवन किया, थूकना किया, थूकना रूपी क्रिया की, तो उससे खाट ऐसा शब्द निकलता है, एक अव्यक्त ध्वनि निकलती है। फिर किसी दूसरे व्यक्ति ने उस ध्वनि को सुना तो उसने पहले व्यक्ति से पूछा कि भाई ये कैसी आवाज आई, उसने कहा खाट कृत्वा, खाट ऐसा उच्चारण किया। तो कहीं पर कोई अव्यक्त ध्वनि हुई, उसको एक व्यक्ति ने सुना, फिर दूसरे व्यक्ति ने सुना, दूसरा व्यक्ति उस बात को नहीं समझ पाया, तो उसने पहले व्यक्ति से उसको समझने के लिए पूछा कि क्या हुआ, तो पहला व्यक्ति उस जो ध्वनि हुई थी उस ध्वनि का अनुकरण करते हुए फिर दूसरा शब्द बोलता है। तो जो खाट रूप की ध्वनि हुई थी उस ध्वनि का अनुकरण करते हुए उसने खाट शब्द बोला, तो ये खाट क्या हो गया? अनुकरण हो गया। तो अनुकरण होने से इसके बाद में इति शब्द भी नहीं है, खाट कृत्वा यहाँ पर इति शब्द बाद में नहीं है, और क्रि धातु का योग है, क्रिया का योग है, इसलिए खाट की गति संज्ञा हो गई। अनुकरणम चानिति परम सूत्र के द्वारा गति संज्ञा होने से फिर कुगतिक प्रादेय सूत्र के द्वारा समास हो गया, तो कृत्वा लेप हो गया, तुक हो गया, खाट कृत्य इस प्रकार का रूप निष्पन्न हो गया, खाट कृत्य। अनिति परम किम, जहां पर खाट शब्द के बाद में इति शब्द जुड़ जाएगा वहां तो फिर इसकी गति संज्ञा ही नहीं होगी। खाड इति कृत्वा निरष्ठीवत, कि खाड इति कृत्वा निरष्ठीवत, उसने क्या किया? खाट इति कृत्वा, खाट ऐसे आवाज निकाल करके निरष्ठीवत उसने थूक दिया, है ना, थूकना रूपी क्रिया का निष्पादन किया, संपादन किया। तो खाट इति कृत्वा, यहाँ पर खाट के बाद इति शब्द आ गया है, खाट अनुकरण तो है लेकिन उसके बाद इति शब्द के आ जाने से उसकी गति संज्ञा नहीं हुई, गति संज्ञा नहीं हुई तो आगे समास भी नहीं हुआ, समास नहीं हुआ तो त्वल्यप की भी कोई चर्चा नहीं है। तो खाट इति कृत्वा निरष्ठीवत यह रूप निष्पन्न हो गया। खाट कृत्वा में तो इति नहीं था इसलिए वहां गति संज्ञा हो गई, त्वल्यप समास हो गए, त्वल्यप हो गए, खाट कृत्य बन गया। खाट इति कृत्वा में इति शब्द आ गया इसलिए गति संज्ञा ही नहीं हुई, गति संज्ञा नहीं हुई तो त्वल्यप समास और त्वल्यप की भी कोई चर्चा नहीं है। तो खाट इति कृत्वा निरष्ठीवत यह रूप निष्पन्न, यह वाक्य में ही प्रयोग रह जाता है इसका, खाट कृत्य निरष्ठीवत ऐसा, खाट है खाट इति कृत्य निरष्ठीवत, इस प्रकार से समस्त पद का प्रयोग नहीं होता है, यह कहने का तात्पर्य है। तो यह गति संज्ञा के क्रम में द्वितीय सूत्र हुआ, इसके बाद अग्रिम सूत्र है आदरान आदरयो हो सदसती, आदरान आदरयो हो सदसती। तो आदर और अनादर ये दो शब्द हैं, सत और असत ये दो अर्थ हैं। अब ये इस सूत्र का तात्पर्य यह है कि सत्कार अर्थ में आदर शब्द की, आदर शब्द का अर्थ अगर सत्कार हो तो सत्कार अर्थ में विद्यमान जो आदर शब्द उसका क्रिया के साथ योग होने पर गति संज्ञा हो जाती है। इसी प्रकार से असत अर्थात असत असत्कार निरादर अपमान अर्थ में विद्यमान जो असत शब्द उसकी क्रिया के साथ योग होने पर गति संज्ञा हो जाती है, यह कहने का तात्पर्य है। तो सत्कार अर्थ में विद्यमान जो आदर शब्द उसकी क्रिया के साथ योग होने पर गति संज्ञा हो जाएगी, और असत असत्कार अपमान अर्थ होने, अपमान अर्थ में विद्यमान जो असत शब्द उसकी क्रिया के साथ योग होने पर गति संज्ञा हो जाती है। उदाहरण देख लीजिए, सत्कृत्य असत्कृत्य, सो सत्कृत्य आदरम कृत्वा, इस प्रकार से विग्रह, सत्कृत्य का मतलब क्या है? आदरम कृत्वा, तो सत्कृत्य सत्कृत्वा सत्कृत्वा अलौकिक विग्रह बन जाएगा, त्वा के स्थान पर लेप हो जाएगा, तुक हो जाएगा। यहाँ पर सत्कृत्य में जो सत शब्द है वह आदर अर्थ में है, क्योंकि सत्कृत्य का मतलब क्या है? आदरम कृत्वा, आदर करके, आदर अर्थ में विद्यमान जो सत उसकी क्रिया इस क्रियावाचक शब्द के साथ योग होने से गति संज्ञा हो गई, कुगति प्रादेश समास हो गया, लेप हो गया, उसको तो आगम हो गया, सत्कृत्य ऐसा रूप बन गया। असत्कृत्य अनादरम कृत्वा इत्यर्थः, असत्कृत्य का मतलब क्या है? अनादर करके, तो असत्कृत्य में असत शब्द है वो अनादर अर्थ में विद्यमान है, अनादर अर्थ में विद्यमान होने के कारण से कृ धातु का योग होने से उसके स्थान पर उसकी गति संज्ञा हो गई, गति संज्ञा होती कुगति प्रादेश समास हो गया, त्वा ल्यप तुकागम होकर के असत्कृत्य इस प्रकार का रूप निष्पन्न हो गया। सत्कृत्य आदरम कृत्वा इत्यर्थः, असत्कृत्य अनादरम कृत्वा अपमानम कृत्वा इत्यर्थः, दोनों का अर्थ हो गया, एक का अर्थ हो गया आदर करके, एक का अर्थ हो गया अनादर करके, अपमान करके। तो सत्कृत्य असत्कृत्य यह दो पद निष्पन्न हो जाते हैं, तो यह आदरानादर यो सतसती इस सूत्र के उदाहरण हो गए। इसके बाद अग्रिम सूत्र है भूषणे लम, आदराया आदरानादर यो सतसती, इस सूत्र का विवेचन हुआ। अग्रिम सूत्र है भूषणे लम, भूषणे अलम, अलम यह अव्यय है,
इसके अनेक अर्थ होते हैं, उनमें से एक अर्थ भूषण भी है। भूषण अर्थ में विद्यमान जो अलम, भूषण अर्थ में सत्कार अर्थ में विद्यमान जो अलम, उसकी भी गति संज्ञा क्रिया के योग होने पर गति, उसका उसका भी क्रियावाचक शब्द के साथ योग होने पर उसकी भी गति संज्ञा हो जाती है। तो अलम शब्द की गति संज्ञा कर रहा है यह सूत्र, लेकिन वो अलम शब्द भूषण अर्थ में विद्यमान होना चाहिए और सजाना रूपी अर्थ में विद्यमान होना चाहिए और क्रिया के साथ उसका योग होना चाहिए। अलंकृत्य, अलम कृत्वा लौकिक विग्रह बना दिए, अलम कृत्वा लौकिक विग्रह बना करके अलम, यहां पर जो अलम शब्द है वो सजाना अर्थ में विद्यमान है। तो अलंकृत्य का मतलब क्या होता है, अपने आप को जो गहने इत्यादि है उनसे सजा करके, अलंकृत्य का ये अर्थ होगा। अलंकृत्य आगच्छति, आत्मानम अलंकृत्य आगच्छति, शरीरम अलंकृत्य आगच्छति, अपने शरीर को क्या करता है, सजा करके आता है। तो अलंकृत्य में अलम भूषण अर्थ में, सजाने अर्थ में, इसलिए अलम की कृत धातु के योग में गति संज्ञा हो गई। गति संज्ञा होने से कुगति प्रादेश से उसका समास हो गया, अलम का क्री कृत्वा के साथ त्वागे सर्वल्यप हो गया, तुगागम हो गया, अलंकृत्य यह निष्पन्न हो गया। लेकिन जहां पर अलम शब्द सजाने अर्थ में नहीं होगा, पर्याप्ति अर्थ में होगा। अलम शब्द का अर्थ पर्याप्ति भी होता है। अलम मल्लो मल्लाय, अलम मल्लो मल्लाय, एक मल्ल दूसरे मल्ल के लिए पर्याप्त है, इसलिए वहां पर नमस्वस्ति श्वास वालमृषण योगात से चतुर्थी व्यक्ति भी होती है। तो जहां पर अलम शब्द पर्याप्त अर्थक होगा वहां पर फिर इसकी गति संज्ञा नहीं होगी। जैसे अलम कृत्वा ओदनम गतः, भूषणे किम अलम कृत्वा ओदनम गतः, कि अलम शब्द यहां पर पर्याप्त अर्थ में, किसी व्यक्ति को भोजन पर बुलाया और वो अपना पूरा तृप्ति भर जितना जितना खा सकता था उतना पर्याप्त रूप से खा करके चले गया। तो यहां पर अलम शब्द उस व्यक्ति के लिए क्या प्रयोग किया गया, असौ है सह है सा व्यक्ति ही अलंकृत्वा ओदनम गतः, है ना, सह पुरुषः ओदनम अलंकृत्वा गतः, वो उसने ओदन को क्या किया, अलंकृत्वा, अलंकृत्वा मतलब पर्याप्त रूपेण भक्षयित्वा, पर्याप्त रूप से भक्ष खा करके वह ओदन को चले गया। तो यहाँ पर अलम शब्द पर्याप्ति अर्थ में, इसलिए इसकी गति संज्ञा नहीं हुई। गति संज्ञा नहीं होने से समास भी नहीं हुआ, समास नहीं होने से त्वाल्यप का कोई प्रसंग नहीं है। अलम कृत्वा ओदरम गतः, इस प्रकार से वाक्य ही प्रयोग रह गया। जहां सजाना अर्थ होगा वही गति संज्ञा होगी, वही समास होगा, वही त्वाल्यप होगा, अलंकृत्य बनेगा। जहां सजा अर्थ नहीं होगा अलम शब्द का, पर्याप्ति आदि अर्थ होगा वहां पर गति संज्ञा नहीं होगी, गति संज्ञा नहीं होने से समास नहीं होगा, त्वाल्यप भी नहीं होगा। तो अलंकृत्वा ओदरम गतः, इस प्रकार से रूप निष्पन्न हो जाता है। तो यह भूषणे लम सूत्र का विवेचन हुआ। इसके बाद अग्रिम सूत्र है पर्याप्तम इत्यर्थः अनुकरणम इत्यादि। हाँ, पर्याप्तम अलंकृत्वा ओदरम गतः, यहाँ पर जो अलम शब्द है वो पर्याप्त अर्थक है। पर्याप्तम इत्यर्थ अलंकृत्वा ओदरम गतः, इसका मतलब क्या, पर्याप्तम, पर्याप्तम अर्थात उसने पर्याप्त रूप से भोजन करके ओदन को खा करके वह गया है, गया यह कहने का तात्पर्य है। चलिए अनुकरणम इत्यादि, अनुकरणम इत्यादि त्रिसूत्री, अनुकरणम चा नीति परम आदरया नादरयो सरस्वती और भूषणेलम, ये जो तीन सूत्र आए हैं यह तीन सूत्र स्वभावात क्रिय विषया, यह तीनों सूत्र स्वभाव से ही केवल क्रिय धातु के योग में ही लगते हैं, ऐसा आचार्य दीक्षित जी का कहना है। लेकिन ऐसी बात नहीं है, संकोच में कोई प्रमाण नहीं है, इसलिए भिन्न धातुओं के योग में भी इनकी गति संज्ञा होती है, ऐसा टीका में बताया गया है। और काशिकाकार इत्यादि ने प्रत्युदाहरण के रूप में भिन्न उदाहरण भी दिए हैं। लेकिन आचार्य भट्टोजी दीक्षित जी का मानना है कि ये जो तीन सूत्र आए आदरया नादरयो सरस्वती और भूषणे लम और इससे पहले जो सूत्र और आया था अनुकरणम चानिति परम, यह तीन सूत्र स्वभाव स्वाभाविक रूप से क्रिय धातु के विषय में ही लगते हैं, ऐसा आचार्य दीक्षित जी का मत है। चलिए अंतिम सूत्र अंतर परिग्रह, अग्रिम सूत्र है अंतर परिग्रह, अंतर अपरिग्रह, अपरिग्रह अर्थ में विद्यमान जो अंतर अव्यय, अपरिग्रह अर्थ में है, अपरिग्रह का मतलब क्या हुआ, छोड़ना, परिग्रह मतलब ले स्वीकार कर लेना, अपरिग्रह मतलब छोड़ देना। तो अपरिग्रह अर्थ में विद्यमान जो अंतर, उस अंतर अव्यय की क्रियाधातु क्रिया के योग में गति संज्ञा हो जाती है। तो अंतर शब्द है, अपरिग्रह अर्थ है, क्रिया का योग हो तो अंतर अव्यय की गति संज्ञा हो जाएगी, गति संज्ञा का फल वही समास और त्वाल्यप इत्यादि का विधान है। तो उदाहरण क्या दिया, अंतर हत्य गतः, मान लिया किसी व्यक्ति ने किसी व्यक्ति को मार दिया। अब मारने के बाद दो स्थिति हैं, वो चाहे तो उस मरे हुए व्यक्ति को लेकर के चले जाए या फिर मरे हुए व्यक्ति को छोड़ करके चले जाए। अगर वहां पर छोड़ना अर्थ होगा तो अंतर शब्द की गति संज्ञा हो जाएगी अंतर परिग्रह सूत्र के द्वारा। तो क्या बन जाएगा, अंतर हत्वा
लौकिक विग्रह अंतरहन है, अंतरहन त्वा, इस प्रकार से लौकिक विग्रह तो क्या ही बनता है इसका, अंतरहन त्वा लौकिक विग्रह बना करके सीधे समास हो जाए, गति संज्ञा हो जाएगी, अंतरहन इस क्रियावाचक शब्द के अंदर की गति संज्ञा होगी, गति संज्ञा होते ही कुगति प्रादेश समास हो गया, समास होते ही त्वाल्यप इत्यादि होकर के अंतर हत्वा, इस प्रकार से अंतर हत्य, अंतर हत्य इस प्रकार से रूप बनता है, अंतर हत्य है ना, अंतर हत्य, तो अंतर हत्य त्वाल्यप इत्यादि होकर के अंतर हत्य यह रूप निष्पन्न हो जाता है। तो अंतर की हन धातु हन इस क्रियावाचक शब्द के योग में गति संज्ञा होने से त्वाल्यप हो गया, समास हो गया, अंतर हत्य इस प्रकार से रूप बन गया। अंतर हत्य का तात्पर्य क्या हुआ कि मारा और मार करके उसको छोड़ करके चले गया, लेकिन जहां पर परिग्रह अर्थ आ जाएगा, जहां पर परिग्रह अर्थ आ जाएगा वहां पर फिर समास नहीं होगा। अंतर हत्वागत, अंतर हत्वागत इसका मतलब क्या हुआ, हतम परिगृह्य गत इत्यर्थ, कि पहले उसको मारा फिर मारने के बाद उसको लेकर के चले गया, तो जहां पर परिग्रह अर्थ हो जाएगा है, स्वीकार करके ले जाना इत्यादि अर्थ हो जाएगा, वहां पर भी गति संज्ञा नहीं होगी, गति संज्ञा नहीं होगी तो समास नहीं होगा, समास नहीं होगा तो लेप इत्यादि का कोई प्रसंग नहीं है, तो अंतर हत्वागत इस प्रकार का रूप बन जाएगा है ना। तो बोल दीजिए मूल वृत्ति, अंतर परिग्रह, अंतर हत्य, मध्य हत्वा इत्यर्थ, अंतर हत्य का मतलब है बीच में मार करके छोड़ करके चले गया। चलिए अपरिग्रह की, जहाँ परिग्रह अर्थ होगा वहीं पर गति संज्ञा होगी, जहाँ पर परिग्रह अर्थ नहीं होगा, जहाँ पर परिग्रह अर्थ होगा वहाँ पर गति संज्ञा नहीं होगी। अंतरहत्वागत, यहाँ पर परिग्रह अर्थ है इसलिए गति संज्ञा नहीं हुई। हतम परिगृह्य गत इत्यर्थ, अंतरहत्वागत का मतलब क्या, हतम परिगृह्य गत है, जो हत है जिसको मार दी है उसको लेकर के चले गया है, इसलिए यहाँ गति संज्ञा नहीं भी, गति संज्ञा होने नहीं होने से त्वा जप इत्यादि का कोई प्रसंग नहीं है, ऐसे वाक्य में प्रयोग रह गया अंतर हत्वा गत इत्यर्थ, मध्य हत्वा अंतर हत्वा गत हतम परिगृह गत इत्यर्थ, इस प्रकार से इसका अर्थ हुआ। इस प्रकार से अंतर परिग्रह सूत्र का विवेचन हुआ। अग्रिम सूत्र है कणे मनसी श्रद्धा प्रतिघाते, इसमें अभी दो शब्द है कणे और मनसी, कणे और मनस ये दो शब्द हैं, हैं श्रद्धा प्रतिघाते, श्रद्धा प्रतिघात का मतलब यहाँ पर श्रद्धा का हनन नहीं है बल्कि तृप्ति पर्यंत भोग करना, तृप्ति पर्यंत अपनी इच्छा पूर्ण करना, यह अर्थ है श्रद्धा प्रतिघात का है ना। तो श्रद्धा प्रतिघात अर्थ में विद्यमान जो कणे, ये सप्तम्यंत अव्यय है कणे, तो श्रद्धा प्रतिघात अर्थ में विद्यमान जो कणे अव्यय और जो मनस शब्द, इन दोनों मनस अव्यय नहीं है, लेकिन जब वह श्रद्धा प्रतिघात अर्थ में विद्यमान होगा तो उसकी धातु उसकी क्रिया के साथ योग होने पर गति संज्ञा हो जाएगी। तो कणे इस अव्यय की है, एकारांत अव्यय की श्रद्धा प्रतिघात अर्थ में विद्यमान होने पर धातु के साथ योग होने पर क्रिया गति संज्ञा हो जाती है, क्रिया के साथ योग होने पर गति संज्ञा हो जाती है, ऐसे मनस इस शब्द की इस अव्यय की है श्रद्धा प्रतिघात अर्थ विद्यमान होने पर क्रिया के साथ योग होने पर गति संज्ञा हो जाती है, गति संज्ञा का फल वही समास इत्यादि है। उदाहरण बोल दीजिए, कणे हत्य पय पिबती मनोहत्य, कणे हत्य पय पिबती, कणे हत्य का तात्पर्य क्या है, तो तृप्ति पर्यंत दूध पीता है, यह कहने का तात्पर्य है। तो कणे हत्वा, कणे हन त्वा, ऐसी स्थिति में हन इस क्रिया के साथ योग होने पर कणे की गति संज्ञा हो गई, समास हो गया, त्वा ल्यप हो गया, कणे हत्य, कणे हत्य पय पिबती, तो कणे हत्य पय पिबती का तात्पर्य क्या हुआ कि जितनी उसकी इच्छा थी तृप्ति पर्यंत दूध पीता है, यह कहने का तात्पर्य है। ऐसे ही मनोहत्य मनोहत्य पय पिबती, तो मनोहत्य इसका अलौकिक विग्रह क्या बन जाएगा, मनस अम हन त्वा, इस प्रकार से अलौकिक विग्रह बन जाएगा, और उसकी हन के योग में मनस की गति संज्ञा समास और सकार को रुत्व उत्व हो जाएगा हसी चौ से, तो मनोहत्य मनोहत्य पय पिबती, इसका मतलब क्या हुआ, तृप्ति पर्यंत श्रद्धा प्रतिघात का मतलब है तृप्ति पर्यंत दूध पीता है या पानी पीता है, जितनी उसकी इच्छा है उतना दूध पीता है, यह कहने का तात्पर्य, उतना पानी पीता है यह कहने का तात्पर्य है। तो कणे और मनस ये दोनों श्रद्धा प्रतिघात हैं, अभिलाषा पर्यंत अपनी जितनी अभिलाषा है तब तक पान करने अर्थ में विद्यमान है, इसलिए इनकी गति संज्ञा हो गई हन इस क्रिया के योग में, और समास हो गया कुगति प्रादेय से त्वाल्यप इत्यादि होकर के कणे हत्या
मनोहत्या, यह दोनों रूप सिद्ध हो जाते हैं। उसी को आगे लिखते हैं, कणे शब्द सप्तमी प्रतिरूपक निपात, कि कणे शब्द जो है ये सप्तमी प्रतिरूपक निपात है। सप्तम्यंत दिख रहा है, कणे शब्द कण शब्द के सप्तमी में कणे बनेगा, तो सप्तमी सप्तम्यंत है नहीं, सप्तमी प्रतिरूपक है, सप्तम्यंत के जैसा दिखने वाला है, सप्तम्यंत नहीं है, सप्तम्यंत का प्रतिरूपक है, मतलब उसके जैसा दिखने वाला है और निपात है। तो निपात अभिलाषा तिशाए है, अभिलाषा निपात अभिलाषा अतिशय, अभिलाषा के अतिशय अर्थ में, इच्छा के अतिशय अर्थ में, तृप्ति पर्यंत इत्यादि अर्थ में विद्यमान है। मन मन शब्द अपि अत्रैव, और मन शब्द भी इसी अर्थ में विद्यमान है। चलिए अग्रिम सूत्र पुरोव्ययम, यह सूत्र है, सूत्र भी सरल ही है। अव्यय जो पूरक, अव्यय जो दो प्रकार का पूरक शब्द प्राप्त होता है, एक तो पूर्व शब्द के पूर्व शब्द नगर का वाचक है वो अनव्ययी है, और एक प्री धातु से असी प्रत्यय होकर के पूरक शब्द बनता है। एक प्री धातु से असी प्रत्यय होकर के क्या शब्द बनता है, पूरक शब्द बनता है। तो प्री धातु से असी प्रत्यय होकर के जो पूरक शब्द बनता है वो अव्ययी है, और जो पूर्व शब्द है रेफांत वह अनव्ययी है। तो पूर्व शब्द के जस में भी पूरक शब्द बनता है, तो उस अनव्यय का ग्रहण यहाँ पर नहीं है। अव्यय जो प्री धातु से असी प्रत्यांत असी प्रत्यय लग करके जो पूरक शब्द बनता है उसका यहाँ पर ग्रहण है। तो अव्यय जो पूरक उसका अगर क्रिया के साथ योग होगा तो उसकी भी गति संज्ञा हो जाएगी पुरोव्ययम इस सूत्र के द्वारा। उदाहरण क्या है, पुरस्कृत्या, पुरस्कृत्या, तो पुरस्कृत्वा क्री के योग में पुरस्कृत गति संज्ञा, गति संज्ञा पुरोव्ययम से गति संज्ञा, गति संज्ञा होती कुगति प्रादेश से समास त्वाल्यप तुक पुरस्कृत्या, यह रूप निष्पन्न हो जाता है। और जहां पर गति संज्ञा, जहां पर पुरस अव्यय नहीं होगा तो वहां पर पुरह कृत्वा ऐसा ही वाक्य प्रयोगी रहेगा, वहां पर गति संज्ञा न होने से समास भी नहीं होगा, पुरस्कृत्य नहीं बनेगा, पुरह कृत्वा इस प्रकार से ही वाक्य का प्रयोग होगा। तो पुरोव्ययम वृत्ति बोलिए, तो पुरस्कृत्य वृत्ति स्पष्ट ही है, अव्यय जो पुरस उसकी गति संज्ञा हो जाती है, उदाहरण पुरस्कृत के रूप में दे दिया गया है। अग्रिम अस्तम च, अस्त ये भी अव्ययी है, अस्तम ये भी अव्ययी है, इसकी भी गति संज्ञा हो जाती है क्रिया के योग में। उदाहरण क्या है, अस्तंगत्य अस्तम अस्तम इति मानतम मानतम अव्ययम, अस्तम यह मानत अव्ययी है, मकारांत अव्ययी है, तो अस्तम इति मानतम अव्ययम गति संज्ञम स्यात् क्रिया योगे, अस्तम इस मकारांत अव्यय की क्रिया के साथ योग होने पर गति संज्ञा हो जाती है। उदाहरण क्या है, अस्तम गत्य, अस्तम गम त्वा, यह लौकिक क्रिया बन, अलौकिक बन जाएगा, गम इस क्रिया के योग में अस्तम इस मानत अव्यय की गति संज्ञा हो जाएगी, कुगति प्रादेश समास हो जाएगा, त्वा ल्यप तुक इत्यादि होकर के अस्तंगत्य इस प्रकार का रूप बन जाता है। और लेकिन जहां पर यह अस्तम शब्द अस्त शब्द के द्वितीयांत में चले जाएगा, अस्तम बन जाएगा, तो वहां पर अस्तंगत्वा इस प्रकार का ही रूप रहेगा, वहां पर अस्तंगत्य इस प्रकार का रूप नहीं बनेगा। तो अस्तंगत्वा इस प्रकार का रूप रहेगा जहां पर यह अस्त शब्द अनव्यय होगा, द्वितीय विभक्ति के क्षण में अस्तम बनेगा, वहां अस्तंगत्वा ही रहेगा, लेकिन यहां पर अस्तम यह अव्यय होगा वह तो अस्तंगत्य इस प्रकार का रूप बनेगा। तो इस क्रम में हमने गति समास से संबंधित गति संज्ञा करने वाले अनेक सूत्रों पर विचार किया, अभी कुछ सूत्र और अवशिष्ट हैं जिनकी चर्चा अग्रिम पाठ में की जाएगी।